दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। इसको अंत तक ज़रूर देखिए। ये जो वीडियो है बिल्कुल अलग हटके है, और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 3 सालों तक बहुत इस पर गहन अध्ययन किया हूँ, तब जाके ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। दोस्तों इंसान की एक ख्वाहिश रहती है हमेशा कि वो सभी चीज़ हासिल करे जिसके लिए उसका मन गवा दे रहा हो। वो सभी चीज़ हासिल करना चाहता है, जो 1 करोड़पति अरबपति के पास जो देखता है वो चीज़ को हासिल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो चीज़ उसके पास में भी हो। एक गरीब आदमी ये सोचता है कि मेरे पास में थोड़ा सा मध्यम वर्ग के पास जो जितना उतना ही हो जाए। मध्यम वर्ग वाला चाहता है कि मेरे को 1 लाखपति के पास जितना उतना मिल जाए। लखपति वाला चाहता है कि मैं करोड़पति के पास जो वो मेरे पास हो। तो ऐसी जो है हमारे मन की अभिलाषा बढ़ती है, और इंसान जो है उसकी ओर दौड़ते रहता है और हमेशा दौड़ता है। आपके आसपास में भी ऐसे कई लोग होंगे जो करोड़पति अरबपति हैं, परंतु आप नहीं। क्यों? इस पर कभी आपने गहन अध्ययन किया या ना किया ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आप ये भी सोचते होंगे कभी जभी कि मेहनत आप भी उससे ज़्यादा ही करते होंगे जितना कि 1 करोड़पति आदमी नहीं करता। उससे ज़्यादा आप मेहनत करते तो भी आपको सफलता नहीं मिलती। ये अक्सर होता हो आपके साथ में, आप देखते होंगे। आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि यार ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, 1 करोड़पति अरबपति खरबपति लोग, इनके पास में भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास में है, सब कुछ आप सेम है, तो भी आपके पास वो चीज़ नहीं जो उन लोगों के पास में। क्यों? क्या कोई ऐसी रहस्यम ताकतें आज भी हैं जो उन लोगों को इतना ऊंचा उठा के रखती है और आपको एक सैनिक की तरह, या आपको यूँ मान लो कि आप एक मजदूर की तरह आपकी ज़िंदगी है और वो जो है राजा बन के बैठे हुए हैं, क्या वो हासिल कर सकते हैं? ये आपके मन में उठता होगा ये प्रश्न कि वो चीज़ें आपके पास में नहीं रहती होगी जो एक होना चाहिए। दोस्तों 3 साल तक मैंने एक इन मंत्रों को जो इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। मुझे एक ज़माने में एक बुक मिली थी, वो बहुत पुरानी बुक थी, और उसमें जो है मोर की कलम से कुछ मंत्र लिखे थे। और चूंकि वो बुक बहुत पुरानी रही होगी और मेरे पास थी, तो मैंने उसमें से एक मंत्र जो है उसमें जो लिखा था धन प्राप्ति यंत्र, तो उस पर मैंने अध्ययन किया। मैंने ये देखा कि उसमें हकीकत मुझे सफलता मिली। मेरे मन में जो था, जो मैं चाहता हूँ आज भी, वो मुझे मिलती है, अपने आप मिलती है। आपको यकीन नहीं होगा, जैसी मान के चलिए मैंने सोचा कि यार बताइए मेरे पास में कार नहीं, उसके पास में, तो वो चीज़ मेरे पास महीने 2 महीने के अंदर आ गई। कहाँ से आई, कैसे आई, कैसा रास्ता बना, क्यों बना, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे पास वो चीज़ आई। जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो मेरे को मिलती है। पैसा कहाँ से आता है, क्या होता है, ये नहीं मालूम, परंतु जो मंत्रों का इस्तेमाल मैंने जो किया उसमें जो मुझे सफलता मिली, मुझे लगा कि ये इसका एक वीडियो बना के आपके सामने भी देना चाहिए। क्योंकि कई लोग आज भी ऐसे हैं जो बहुत कड़क मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, परंतु उनको सफलता नहीं मिलती। आपने देखा होगा जितनी हम मेहनत करते हैं ना, शायद उतना आपका जो पड़ोस में करोड़पति होगा वो नहीं करता है, परंतु उसके पास में वो सभी चीज़ें हैं जो होना चाहिए, परंतु वो चीज़ें आपके पास नहीं। तो दोस्तों आप यकीन मानिए ये वीडियो एकदम 100% सत्य है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत दिनों तक इस पर अध्ययन किया हूँ और मुझे सफलता मिली है। और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप भी सफल हों, और ये जो मंत्र दे रहा हूँ मैं आपके सामने आज बताऊँगा मैं आपको, ये 10 मंत्र हैं, और इस 10 मंत्र में से एक भी कोई मंत्र आप चुन लीजिए। 10 मंत्रों में से एक भी आपको कोई भी चॉइस करना है, पूरे 10 के 10 मंत्र नहीं करना है, कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए। उसके बाद में इसको हो सके तो शुक्रवार सुबह
9 बजे के पहले आप दिन को चॉइस कर लीजिए, शुक्रवार, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन होता है वो तो। परंतु बुक में कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि शुक्रवार ही होना, क्योंकि मैंने शुक्रवार के दिन से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। आप किसी दिन से भी कर सकते हैं, वो आपका आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा दिन चॉइस करना है। पर मेरे हिसाब से मैंने मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार इज़ ए बेस्ट डे होता है, और आप सुबह 9 बजे तक, उसके बाद का भी समय अनुकूल होता है। तो दोस्तों इस मंत्र के लिए अनुकूल होता है, मतलब आप 9 बजे के पहले पहले कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने जो 10 मंत्र लेके आया हूँ उसको करने के पहले तो मैं आपको विधि बता दूँ। ये आपको सुबह के टाइम पे नहाने धोने के बाद में आप इसका 5 बार इन मंत्रों का जाप करेंगे। किसी प्रकार का कोई माला या कोई हवन या कोई ऐसी सामग्री नहीं चाहिए, केवल आपको आसन पर बैठना है और 5 बार ये मंत्र को बोलना है। फिर दोस्तों फिर इसको आपको दोपहर में बोलना है और रात्रि में सोते समय जब आप खाना खाने बैठेंगे दोपहर में, तो खाना खाने के पहले बोलना है, और रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं तो बिस्तर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और उस पर आप जब सोने जा रहे हैं तो आप पालकी मार के बैठ जाइए और इन मंत्रों का 5 बार आप प्रयोग कीजिए। बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं, आपको यूँ कंटस्ट हो जाएंगे, कोई बड़े मंत्र नहीं। तो आपको ये दिन में 3 बार बोलना है, वो भी 90 दिनों तक, यानी कि 3 महीने तक आपको ये कंटिन्यूस करना है। क्योंकि मैंने किया हूँ और मुझे सफलता मिली, तो मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ कि आपको 101% इसमें सफलता मिलेगी। एक बार आप इस पे केवल आप कोशिश करके देखिए, जब आप सफल होने लगेंगे उसके बाद नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी राय क्या रही। दोस्तों एक चीज़ हो रही है, अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों दूसरे लोग जो और परेशान हैं इस प्रकार से उनके भी काम आ सके, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, ये मंत्र जो मैं आपके सामने 10 बताऊंगा, ये आपको केवल दिन में 3 बार जो इसका आसन लगा के बोलना है, और प्रत्येक बार में 5-5 बार मंत्र आपको बोलना है। सुबह के टाइम 5 बार, दोपहर 5 बार, और शाम के टाइम 5 बार रात्रि में। तो ये 9 बजे के पहले सुबह के टाइम, दोपहर में खाना खाने के पहले आपको ये बोलना है, और रात्रि में जब सोएंगे आप तो एकदम बिस्तर साफ सुथरा, उस पर आप पालकी मार के बैठ जाइए और आप जो है इन मंत्रों का 5 बार उच्चारण कीजिए और सो जाइए। तो दोस्तों ये तो आपको शायद समझ आ गया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ ये मंत्र कौन कौन से हैं। पहला मंत्र है ओम धनाय नमः, ठीक। दूसरा मंत्र है ओम धनाय नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नमः। चौथा मंत्र है ओम लक्ष्मी नमो नमः। पांचवा मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायण नमः। छठवा मंत्र है लक्ष्मी नारायण नमो नमः। सातवा मंत्र है ओम प्राप्ताय नमो नमः। आठवा मंत्र है नारायण नमो नमः। नौवा मंत्र है ओम प्राप्ताय नमः। और दसवां मंत्र है ओम नारायण नमः। दोस्तों ये 10 मंत्र हैं, इन 10 मंत्रों में से कोई भी आप एक मंत्र को चॉइस कर लीजिए, और इसका इस्तेमाल आप जिस प्रकार मैंने आपको बताया दिन में 3 टाइम 90 दिनों तक, यानी 3 महीने तक आपको करना है। जैसे कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, आपको कोई टेबलेट ले देता है कि दोपहर में लेना, शाम को लेना, सुबह लेना है, उसी प्रकार ये मंत्र हैं, केवल 5-5 बार। ये लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, और लक्ष्मी जी के इस मंत्र को, लक्ष्मी जी को जागृत करने का ये मंत्र है।
दोस्तों इसको किसी आप हिंदू धर्म से ताल्लुक ना समझें, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो इसका एक बार इस्तेमाल करके देखें, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुख अगर है तो इसका मतलब ये साफ सुथरी भाषा है कि आपके पास धन की कमी है, तभी आपके पास में दुख है। अगर धन है तो आपके पास में दुख आने में बहुत वक्त लगेगा, आएगा तो दुख, ये बात तो आप पक्की समझिए, पर उसको आप इस धन के कारण उसको समेट सकते हैं उस दुख को। इसलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसको आप खुद स्वयं प्रैक्टिकल कीजिए, देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं। आप ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने खुद इस पर रिसर्च किया हूँ, मैंने खुद इस पर अध्ययन किया हूँ, मैं इसको खुद कर चुका हूँ, इसके बाद ही मैंने आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एक बार ज़रूर इसका महत्व समझते हुए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ।